नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस दिलीप कुमार का बुधवार को निधन हो गया और उनको सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। उन्हें आखिरी सलामी देने बड़ी संख्या में जवान इकट्ठा हुए थे। वहीं अंतिम यात्रा से पहले उनकी डेड बॉडी को तिरंगे में लपेटा गया। पति को विदा करने से पहले सायरा बानो ने दिलीप साहब का माथा चूमा और फिर उनकी डेड बॉडी से लिपट कर फूट फूट कर रोई। इस दौरान पत्नी सायरा बानो को रिश्तेदार संभालते नजर आए। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने बुधवार को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें अंतिम विदाई देने बॉलीवुड सेलेब्स धर्मेंद्र, रणबीर कपूर, अनिल कपूर, अनुपम खेर, विद्या बालन, शबाना आजमी, जॉनी लीवर, रजा मुराद सहित कई सेलेब्स पहुंचे थे। इस मौके पर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन करने आए थे। आइए आपको बताते हैं कि दिलीप कुमार को विदा करने से पहले कैसी थी उनकी पत्नी सायरा बानो की हालत। तो दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच 22 साल का अंतर था, बावजूद इसके दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। सायरा बानो दिलीप साहब को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, इतना ही नहीं वे अपना कोहिनूर उन्हें कहती थी। सायरा बानो ने अपने कोहिनूर का माथा चूमकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान उनके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। पति दिलीप कुमार को विदा करने से पहले सायरा बानो उनकी बॉडी से लिपटकर देर तक रोती रही। उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार को तिरंगे में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स वहाँ पर मौजूद थे। अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। इसके अलावा शाहरुख खान और रणबीर कपूर भी इस मौके पर दिखे। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे भी दिलीप साहब के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान वे कुछ वक्त सायरा बानो के पास भी बैठे। उनके साथ उनका बेटा भी था। दोस्तों, पति का खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी सायरा बानो। उनके रिश्तेदार उन्हें सहारा देते दिखे और उन्हें ढांढस बताया। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।